अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से रहेंगे। हम लोग भी आप लोग की दुआ से अच्छे से हैं। तो आज हम रेसिपी में क्या बना रहे हैं, ड्राई फ्रूट रवे का हरीरा। मैं हरीरा बना रही हूँ घर के लिए, तो आप लोगों को शेयर कर रही हूँ मेरे तरीके से। बहुत बेहतरीन हरीरा रहता है ये। तो मैं तपेली गर्म पर रखती हूँ और एक स्पून घी डालूँगी मैं। तो घी हमारा गर्म हो चुका है, तो हम एक बाटी है ये हमारा पौने बाटी मतलब 100 ग्राम काजू है ये डालेंगे, और 100 ग्राम बादाम है ये डालेंगे। इसको फ्राई करके निकाल लेंगे हम। बहुत बेहतरीन हरीरा रहता है, हमारे जो डिलीवरी हो जाती है उनके लिए भी, और जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके लिए भी, घर में हर इंसान के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। बहुत अच्छा हमारे घर में बनता है, हमारे घर में ये बनता रहता है। तो इसके लिए आज बना रही, तो आज भी आप लोग को शेयर कर रही हूँ। ये बहुत बेहतरीन हरीरा, आप लोग ज़रूर बनाना अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, घर में जो भी कमज़ोर उनके लिए। फ्राई हो चुका है, निकाल दूँगी मैं। फ्राई करके निकाल दिए, ठंडे होने रख देंगे हम। इस सूखे खजूर 1/2 किलो ये डालेंगे, ये भूनेंगे। ये सॉरी फ्रेंड, ये 1/2 किलो नहीं है, ये 100 ग्राम है सूखे खजूर। मेरे मुंह से 1/2 किलो निकल गया, रवा 1/2 किलो है हमारा। ये हमने फ्राई करके निकाली, इसको भी ठंडा होने रखेंगे। तो ये हमारे 50 ग्राम मखाने हैं, ये भी फ्राई करेंगे हम इसमें। तो मखाने भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। मैंने 1 चम्मच घी में तीनों भी फ्राई करी हूँ। देखिए आप लोग, घी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करी हूँ। और ये बहुत बेहतरीन, ये जो डिलीवरी होती है उनके लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन हरीरा है। सुबह सुबह याद कर उसको खिलाने का, हमारे घर तो यही बच्चे को पिलाते हैं। तो मैं निकाल दी फ्राई करके। तो 1 स्पून और घी डाल रही हूँ मैं। तो घी हमारा गर्म हो चुका है, तो ये गोंदे फ्राई गोंदे तो इसको थोड़ा थोड़ा डाल के हम फ्राई करेंगे। तो इस तरीके से मैं फ्राई कर चुकी हूँ, और फ्राई करूँगी थोड़ा और है। तो मैंने फ्राई करके निकाल ली हूँ और थोड़ी सी घी और डाली हूँ। तो ये 250 ग्राम हमारा रवा है, तो ये डाल के भूनेंगे हम घी में। तो रवा हमारा अच्छी तरीके से घी में भुने गया है, तो अब हम गैस बंद करेंगे। तो जितना भी हमने फ्राई करे थे सब ठंडा हो चुका है। तो अभी हम पूरे को मिक्सर में दरदरा पीस लेंगे, एकदम बारीक नहीं पीसेंगे। तो मखाने सबसे पहला पीसूंगी बारीक, इस तरीके से। देखो मैंने पीस ली मखाने को, तो अब इसमें हम एक एक करके ये भी पीस लेंगे। 1 सूखा खजूर है हमारा फ्राई करा हुआ, तो सूखा खजूर देखो मैं इसे दरदरा पीस ली हूँ, और ये मखाने भी पीसे हुए सब साथ में भी मिक्स करेंगे हम एक एक। अभी काजू बादाम मिला के पीस लेंगे। तो ये काजू बादाम भी मैंने इसे दरदरा पीस ली हूँ, देखो। अभी आइए हम पीसेंगे गोंद। तो गोंद हमारे फ्राई हो चुके हैं, दरदरा पीसी मैंने, देखो इस तरीके से मैंने हल्का हल्का पीसी हूँ। तो ये हमारा भुना हुआ रवा है, ये इसमें मिक्स करेंगे। तो अभी सब अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये अभी ये तैयार हो चुका है, इसमें अब कुछ भी नहीं मिक्स करना है। अगर आप लोगों को इलायची का टेस्ट अच्छा लगता है तो इलायची खा लीजिए, इलायची का थोड़ा पाउडर करके मिक्स करना है। मैं नहीं डालूँगी इलायची का पाउडर, आप लोग अगर डालना चाहते हो डाल सकते हैं इसमें। और 1 गिलास दूध गर्म करके ये 1 चम्मच डाल के पी सकते हैं, और नहीं तो किसी को घी पसंद है तो घी से भी बघार के घी डाल के थोड़ा सा 1 स्पून डाल के दूध डालने का। हरीरा तैयार हो चुका है, बहुत बेहतरीन हरीरा रहता है, ताकत का। तो हमारा हरीरा तैयार हो चुका है। अगर इसमें आप लोग को अगर लड्डू भी बनाना है तो इस तरीके से इसमें खाली गुड़ डालना है हमको। अगर इसमें लड्डू भी बन जाए, अभी मैंने मिक्स कर ली हूँ, तो इसमें गुड़ गर्म करके डाल दो आप लोग, और जल्दी जल्दी ठंडा होने से पहले लड्डू बन सकता है। हम लोग लड्डू भी बना के रख सकते हैं। और हरीरा 1 गिलास दूध डाले, 1 चम्मच ये डाले, हरीरा तैयार हो चुका है हमारा। तो आप लोग को अगर मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो आप लोग मुझे लाइक और शेयर करो। मेरे चैनल पर जो भी नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी वीडियो आप लोग को मिलती रहे। दुआ में याद रखो, इंशाल्लाह हम लोग भी आप लोग को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।